Good morning, students. You are welcome in RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic, that is pyrotaxy. Pyrotaxy of leaf. वैसे pyrotaxy का मतलब होता है arrangement of leaf on axis. इससे पहले वाले lectures के अंदर अपन ने बात की थी कि venation क्या होता है, leaves के types कौन-कौन से होते हैं, leaves की जो है structure के बारे में बात की थी, leaf को food factory या फिर kitchen of the plant क्यों बोलते हैं. That was all about the previous thing. So today now we are going to talk about phylotaxy. Phylotaxy का मतलब होता है arrangement of leaf on axis. Arrangement of leaf on axis is known as phylotaxy. इसका मतलब कि एक्सिस के ऊपर जो लीव्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, वो किसी भी वे के अंदर हो सकती हैं, दैट मे बी अल्टरनेट टू ईच अदर, दैट मे बी द वर्ल्ड, दैट मे बी ऑपोजिट, एनी काइंड ऑफ. सो अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन एक्सिस इज नोन एज फाइलोटैक्सी. और एक्सिस के ऊपर पत्तियां जिस तरीके से अरेंज हैं, दैट थिंग इज नोन एज फाइलोटैक्सी. इसको जो है बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होते हैं. नंबर वन इज अल्टरनेट, नंबर सेकंड इज ऑपोजिट, नंबर थर्ड इज वर्ड. अल्टरनेट के अंदर क्या होता है, दिस इज ब्रांच, ब्रांच के अंदर नोड्स हैं. आई होप आपको याद होगा पुरानी वाली चीजें कि अपन ने बात की थी कि स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स. और जो भी नई स्ट्रक्चर्स आती हैं वो नई स्ट्रक्चर्स हमेशा किस पे से अराइज होती है, नोड्स के ऊपर से अराइज होती है. तो लीव्स अरेंज है और लीव जो है एक अल्टरनेट मैनर के अंदर अरेंज है. एक एक्सिस, एक जो है नोड के ऊपर केवल एक लीव पाई जा रही है, एक यहाँ पे पाई जा रही है तो एक इसकी जस्ट दूसरी डायरेक्शन में पाई जा रही है. इट मींस वन नोड इज कंटेनिंग ओनली वन लीव एंड द लीव्स आर आल्सो अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर. यहाँ पे फिर से लीव पाई जा रही है. तो इस तरीके से लीफ का एक पर्टिकुलर मैनर पाया जाता है. अगर लीफ इस तरीके से अरेंज है देन दिस इज नोन एज अल्टरनेट. दिस इज नोन एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. इसके बाद में आ रहा है सॉरी अल्टरनेट एग्जांपल है लाइक चाइना रोज, मस्टर्ड, इसके अलावा सनफ्लावर. ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर लीव जो है अल्टरनेट मैनर के अंदर पाई जाती है, एकांतर क्रम में पाई जाती है लीव्स. इसके बाद में सेकंड अपन बात करते हैं ओपोजिट, ओपोजिट फाइलोटैक्सी. ओपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, दिस इज द स्टेम, द वी कैन से ब्रांच, इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स. अब इसके अंदर एक नोड के ऊपर इसके अंदर दो लीव्स आ रही है एंड बोथ लीव्स आर ओपोजिट टू ईच अदर. दोनों लीव जो है एक दूसरे के ओपोजिट पाई जाती है. जस्ट इसके नीचे वाले नोड के अंदर देखें, इट इज ऑल्सो कंटेनिंग टू लीव्स एंड बोथ लीव्स आर अल्टरनेट, बोथ लीव्स आर ओपोजिट टू ईच अदर. अगर लीव्स इस मैनर के अंदर पाई जा रही है, लीव जो है एक लीव एक नोड के ऊपर दो प्लस में दोनों ही जो है एक दूसरे के ओपोजिट हो, दैट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नोन एज ओपोजिट. दैट इज नोन एज ओपोजिट फाइलोटैक्सी. ओपोजिट फाइलोटैक्सी जो है बेसिकली अपन को कैरेक्टरोप्टिस के अंदर देखने को मिलती है, इसके अलावा गवावा के अंदर देखने को मिलती है. इसके अलावा और प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ओपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है. इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट वन टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के अंदर क्या होता है कि लीफ जो है एक सपोज दैट दिस इज एनी ब्रांच और ब्रांच के ऊपर ये नोडल रीजन है, इस नोडल रीजन के ऊपर बहुत सारी लीव्स पाई जा रही है. And these leaves are arranged in a circular manner. सारी की सारी जो leaves हैं इस axis पे जो है वो एक circular way के अंदर arranged हैं. We can say making a word. तो that type of phyrotaxy is known as
वर्ल्ड पायरोटैक्सी बेसिकली जो है ये अपन को एल्स्टोनिया के नतीजे को मिलती है. दिस इज वी कैन सी इन एल्स्टोनिया. सो अपन फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन एक्सिस इज नोन एज Pyrotaxy, it is of three types. Number one is alternate pyrotaxy, number second is opposite pyrotaxy, number third is word pyrotaxy. Alternate pyrotaxy can then leaves are alternate to each other and each node is containing only one leaf. Example is China rose and mustard. Opposite ki andar apan ne dekha hai ki ek node ke upar two leaves aa rahi hain and both leaves are opposite to each other. That we can see in Caltropis and Guava. इसके बाद में third रखा है, that is World Phytotaxy. World Phytotaxy में अपने देखा है कि एक ही axis के ऊपर बहुत सारे leaves arranged हैं and all leaves are arranged in a circular way or whorled manner. That is known as World Phytotaxy and this is we can see in Elstonia. So that was all about the Phytotaxy. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स और इनफ्लोरेसेंस क्या होता है. इसके अलावा फ्लावर और कौन से पार्ट्स से बना होता है. इस सारी की सारी बातें जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर से या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. थैंक यू.